नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं भदोही जिले के ग्राम पंचायत महुआरी में, जहां आगाज हुआ है स्वच्छता महाअभियान का। डस्टबिन वितरण हो रहा है, शुरुआत इसकी महुआरी ग्राम पंचायत से हुई, जो विकास खंड दीघ में है। हमारे साथ स्वच्छता नायक के रूप में पहचान बनाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अजय शुक्ला है। बहुत बहुत स्वागत है। एक महाअभियान को आपने शुरू किया है ग्राम पंचायत महुआरी से, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिलाधिकारी आदरणीय श्री गौरांग राठी जी, जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे बड़े भाई हृदय प्रिय विनय दुबे जी, छोटे भाई हृदय प्रिय ऋषि शुक्ला जी, हमारे बहुत पारिवारिक और बहुत हृदय प्रिय प्रधान रमेश मिश्रा जी, मिट्ठू भाई, हमारे आपके मार्गदर्शन, हमारे गुरु, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा और मैं सामाजिक कार्य अनवरत करता रहूँगा, और यहीं पे नहीं, बाजार में नहीं, पूरे जिले में होता रहेगा। तो मैं आप सबको, अपने सभी मित्र नौजवान साथियों को, कि नर सेवा नारायण सेवा, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है मित्र। ये बहुत जीवन बहुत छोटा है कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके की दोस्त, कि मेरी बची जिंदगी आप लोगों के काम आ जाए। मित्रों, ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, तो ये ग्राम पंचायत महुआरी से आगाज हुआ है, तो ये आगे धार्मिक स्थल सीतामढ़ी, सिमरनाथ सहित जनपद के किन स्थानों पे और कार्यक्रम आप करेंगे? देखिए, काशी प्रयाग के मध्य जंगीगंज बाजार हमारा बाजार है, तो ये कार्य अनवरत चलता रहेगा पूरे जनपद में। जिलाधिकारी महोदय से बात हुआ है, ये कार्य जिलाधिकारी महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने इतना अच्छा काम किया। ये कार्य हर जगह चलता रहेगा, सीतामढ़ी, कोनिया, कटवा, हर जगह चलता रहेगा और आई भी चलेगा, ये अनवरत चलता रहेगा कार्य। तो ये थे हमारे साथ स्वच्छता के नायक डॉक्टर अजय शुक्ला, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। हमारे साथ ऋषि शुक्ला जी हैं, जो युवा समाज सेवी और हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष भी हैं। हम बात करेंगे ऋषि जी से, आप लोग ये कार्य कराएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम को, स्वच्छ भारत मिशन को के तहत पूरे जिले में जो डस्टबिन वितरण कार्य हो रहा है हमारे बड़े भैया अजय शुक्ला जी के द्वारा, ये बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और कोविड काल में जो भी कार्यक्रम आपको मालूम है, विगत वर्षों में कितना मेहनत किए गए, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन का पहल कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और विधानसभा में, पूरे लोकसभा में, ये आने वाले समय में हम लोग मेहनत करके गाँव डस्टबिन वितरण करने का कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऋषि शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी पहल की है। आपको बता दें, पूरे जनपद में ये कार्यक्रम संचालित होगा, शुभारंभ इसका महुआरी ग्राम पंचायत से हुआ है। आगे यह महाअभियान अनवरत चलेगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। और एक कहावत एक चरण चूम लेती है, चल करके मंजिल मुसाफिर, अगर अपने हिम्मत न हारे। जिस तरह से इनकी टीम ने कोविड में काम किया, साथ ही अब स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, वो वाकई में एक इतिहास है, महागाथा है। ऐसे में तमाम उद्यमी भी सामने आए, जिसमें बीडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख विनय दुबे जी का ऐतिहासिक सहयोग रहा है, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। ग्राम पंचायत महुआरी मौजूद है ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा अलग जगाया, और उसी अलग की देन रही कि आज ग्राम पंचायत महुआरी से स्वच्छता महाअभियान के तहत एक ऐसे कार्य का शुभारंभ हुआ है। बीडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख विनय दुबे के सहयोग से ये भागीरथ कार्य का शुभारंभ हुआ है। हम बात करते हैं महुआरी के ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा से, क्या कहेंगे आज एक डस्टबिन कार्यक्रम का, जो ये महाआगाज हुआ है जनपद से भदोही के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आगाज किया है, तो आगे किस तरह से स्थापित कराएंगे डस्टबिन को ग्राम पंचायत महुआरी और जंगीगंज बाजार में? मार्केट में व्यापारियों के यहाँ, दुकानदारों के यहाँ एक डस्टबिन का वितरण होगा, और जगह जगह पे डस्टबिन लगाया जाएगा, जिससे कि
जो हमारे सफाई कर्मी सुबह में रोड साफ करते हैं और उसके बाद दुकान खुलने के बाद जो है फिर वही दुकानदार लोग कचरा फिर सड़क पर कर देते हैं, तो डस्टबिन लगे से इसको बहुत बड़ा बल मिलेगा कि जो दुकान का कचरा लेगा वो डस्टबिन डाला जाएगा। तो ये थे ग्राम प्रधान महुआरी, जिन्होंने कहा है कि स्वच्छता मुहिम में डस्टबिन स्थापन का कार्य वाकई में जो बाजार में गंदगी बिखरती थी वो एकत्रित रहेगी और उससे निकाल करके उसको जो कूड़ा स्थल है ग्राम पंचायत में स्थापित है सिंचाई कॉलोनी में वहाँ उसका निस्तारण किया जाएगा। डीएम गौरांग राठी पुलिस अधीक्षक ने आज इसका शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही ये महाअभियान अब जनपद में एक महाअभियान का रूप लेगा। जनपद के अन्य बाजारों धार्मिक स्थल पर भी स्थापित होंगे ऐसा पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अजय शुक्ला ने हमसे बातचीत में इसका ऐलान किया है।